Hello, my dear students, today we will discuss a new topic, polymorphism in C++. So firstly, we start from the definition. Polymorphism is a very powerful concept of object-oriented programming language. Polymorphism जो है वो main concept है object-oriented programming language का. और आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? C++. सो ये C++ का एक मेन कॉन्सेप्ट है. द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. जो वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म है वो टू ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है. द फर्स्ट वन इज पॉली विच मीन्स मैनी एंड द सेकेंड वन इज मॉर्फस विच मीन्स फॉर्म्स. ठीक है. सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द एबिलिटी टू टेक मैनी फॉर्म्स. ठीक है. फर्स्ट वर्ड का मतलब क्या है? मैनी. इन द सेकेंड वन का मतलब क्या है? मॉर्फस का मतलब क्या है? फॉर्म्स. सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द एबिलिटी टू टेक मैनी फॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ऑलरेडी यूज टू कॉन्सेप्ट, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, विच इम्प्लीमेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. हम पहले ही दो कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ चुके हैं, दैट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को. कैसे? देखो, इन फंक्शन ओवरलोडिंग हम एक ही फंक्शन यूज़ करते हैं, बट उसकी जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है वो अलग अलग होती है. सो एक ही फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है इन फंक्शन ओवरलोडिंग. सो वो क्या बन गया? पॉलीमॉर्फिज्म. इसी तरह से हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या करते हैं? एक ही ऑपरेटर डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए परफॉर्म यूज़ करते हैं. सो उसे हम क्या बोल देते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ठीक है. इन फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन फंक्शन ओवरलोडिंग वी हैव अ फंक्शन सम. ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है सम जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है. हाउ? सम फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू इंटीजर्स. यही सम फंक्शन टू इंटीजर्स को क्या कर रहा है? कैलकुलेट कर रहा है, उसका सम कर रहा है. और यही सम फंक्शन कैलकुलेट सम ऑफ टू फ्लोटिंग नंबर्स का क्या कर रहा है? सम कर रहा है. इसी तरह से सम फंक्शन कंकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स को क्या कर रहा है? कंकैटिनेट कर रहा है. कंकैटिनेट का मतलब मर्ज कर रहा है. ठीक है. सो हो गया ना अबिलिटी टू टेक मैनी फॉर्म. एक ही फंक्शन से हमने डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर लिए और ये क्या बन गया? पॉलीमॉर्फिज्म. और फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे है? देखो, सम फंक्शन है और डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स है, टू इंटीजर्स, टू फ्लोटिंग, टू स्ट्रिंग्स, मतलब करेक्टर टाइप के दो इनपुट्स होगी उस फंक्शन के लिए. सो इन कंक्लूजन, मोर देन वन फंक्शन मीन्स एक ही सॉरी मोर देन वन फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन विद सेम नेम के हो बट डिफरेंट इन देयर वर्किंग. ठीक है, उसकी बट उनकी वर्किंग जो हो वो डिफरेंट डिफरेंट हो, उसे हम क्या बोल देते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म. सो पॉलीमॉर्फिज्म जो है दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है. द फर्स्ट वन इज पॉली एंड द सेकेंड वन इज मॉर्फस. पॉली मॉर्फस प्लस क्या बन गया? पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट वन है हाउ टू इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म बाय इनहेरिटेंस. हम पॉलीमॉर्फिज्म को इनहेरिटेंस के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, सपोज वी हैव फोर क्लासेस, क्लास शेप, क्लास रेक्टेंगल, क्लास सर्कल, क्लास ट्राइंगल. सो शेप क्लास जो है हमारी बेस क्लास है और ये क्लासेस क्या है? हमारी ड्राइव्ड क्लासेस हैं. जो ये तीन क्लासेस है ना, हमने इसे किससे क्या है? हमने इन तीनों को इससे ड्राइव किया है, इसीलिए हमने ये एरो, आपको पता है हमने क्यों लगाए हैं. ठीक है, ये बेस क्लास है, ये इनकी ड्राइव क्लासेस है. और बेस क्लास में हमने ड्रॉ फंक्शन यूज़ किया और इसमें भी हमने ड्रॉ, इसी में भी हमने ड्रॉ और इसमें भी हमने ड्रॉ फंक्शन यूज़ किया. सो एक ही फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पर ये रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पर सर्कल को, यहाँ पर ट्रायंगल को. हो गया ना पॉलीमॉर्फिज्म. और इनहेरिटेंस भी हो गया क्योंकि बेस है और ये ड्राइव क्लासेस है. ठीक है. नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. टू टाइप्स की है पॉलीमॉर्फिज्म. द फर्स्ट वन इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं. एंड द सेकेंड वन इज डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल देते हैं. ठीक है. द फर्स्ट वन इज स्टैटिक
or compile time polymorphism. It is also called early binding or static binding. ठीक है, इसे हमने अर्ली बाइंड, इसे हम अर्ली बाइंडिंग भी बोल सकते हैं और स्टैटिक बाइंडिंग भी बोल सकते हैं. हाउ इन दिस, ठीक है, कंपाइलर मेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फंक्शन एट कंपाइल टाइम. इसमें जो कंपाइलर है फंक्शन कॉल के दौरान, जब फंक्शन की सिलेक्शन करता है फंक्शन कॉल के दौरान, देन वो कब करता है, कंपाइल टाइम पर. इसीलिए हमने इसे क्या बोला है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, और अर्ली बाइंडिंग भी बोला इसीलिए, क्यों, क्योंकि रनिंग से पहले प्रोग्राम क्या हो जाता है, कंपाइल हो जाता है. इसीलिए इसने हमें इस, हमने इसे क्या बोला, अर्ली बाइंडिंग. ठीक है, और कंपाइल टाइम आपको क्लियर है कि इस सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फंक्शन, मतलब फंक्शन कॉल के दौरान जब फंक्शन सिलेक्ट करता है फंक्शन को, वो कंपाइल टाइम पे कर लेता है. ठीक है, सो इसे हम बोल देते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. द एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक बाइंडिंग, जहाँ हम बोल सकते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग, आर रिक्वायर्स लेस मेमोरी. इसे परफॉर्म करने के लिए मेमोरी जो होती है वो लेस ही चाहिए होती है, और फंक्शन कॉल्स आर फास्टर. इससे फंक्शन कॉल्स जो है वो क्या हो जाती हैं, फास्टर हो जाती हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये इनकी दो एग्जाम्पल्स है. मीन्स फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कौन सी पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म होती है, वो स्टैटिक और कंपाइल टाइम परफॉर्म होती है. सो फंक्शन कॉल पर जब फंक्शंस कंपाइलर फंक्शन सेलेक्ट करता है वो कंपाइल टाइम पर ही कर लेता है. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज रन टाइम, जहाँ हम बोल सकते हैं डायनामिक बाइंडिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेट बाइंडिंग. ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं, लेट बाइंडिंग. यहाँ पर हमने क्यों बोला इसको अर्ली, क्या बोला, अर्ली बाइंडिंग. और हाँ, यहाँ पर पता हमें चल गया था कि जो भी फंक्शन है वो फंक्शन कॉल के दौरान, जब फंक्शन कॉल के दौरान फंक्शन को सिलेक्ट करता है वो कंपाइल टाइम पे कर लेता है, इसीलिए इसका नाम कंपाइल्ड. यहाँ पर रन टाइम पर करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, रन टाइम. और इसे हमने क्या बोला, लेट बाइंडिंग. इन दिस कंपाइलर मेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फंक्शन एट रन टाइम. फंक्शन की जो सिलेक्शन है कॉलिंग के दौरान वो रन टाइम पर करेगा, इसीलिए हमने इसे क्या बोला, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनामिक बाइंडिंग. द एडवांटेजेस ऑफ डायनामिक बाइंडिंग आर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, द फर्स्ट वन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड द सेकेंड वन प्रोवाइड कॉमन इंटरफेस इन द बेस क्लास फॉर परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क. प्रोवाइड कॉमन इंटरफेस इन द बेस क्लास फॉर परफॉर्मिंग मल्टीपल. सो एक ही इंटरफेस हमको क्या मिल जाता है, बेस क्लास में मिल जाता है, जो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखो, क्लास शेप में हमें एक इंटरफेस ड्रॉ नाम का फंक्शन है जो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेगा. इनको भी इनहेरिट करेगा ड्रॉ, ये क्लास जो है इनको भी, इस फंक्शन की वर्किंग को भी इनहेरिट करेगी और अपने भी यूज़ करेगी. सो इसे हमने क्या बोल दिया है, ये इसका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एडवांटेज होगी, प्रोवाइड कॉमन इंटरफेस इन द बेस क्लास फॉर परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क. ठीक है, सो नेक्स्ट वन है एग्जांपल ऑफ डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म. इसकी एग्जांपल क्या है, वर्चुअल फंक्शन. वर्चुअल फंक्शन अभी तक हमने नहीं मतलब पढ़ा है, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे. सो थैंक्स माई डियर स्टूडेंट्स.